ठीक है। पहला है आप ई फाइलिंग पे जाओगे। ई फाइलिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा आईटीआर रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। इसमें दो होते हैं, एक होती है एक्सेल। देखो एक्सेल तो कोई यूज़ नहीं करता, ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जावा वाली। तो अगर आईटीआर 1 भरनी है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, आईटीआर 2 यहाँ पर, आईटीआर 3 यहाँ पर, आईटीआर 4 यहाँ पर, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7, जितनी भी आप आईटीआर भरो, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए कौन से आईटीआर कब भरते हैं। ऐसा ना हो आपने आईटीआर तो भरने बैठे हो लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि मेरी आईटीआर 1 में कौन सी आईटीआर आएगी, आईटीआर 2 में कौन सी आईटीआर आएगी, आईटीआर 3 में कौन सी आईटीआर आएगी। आपके यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, जैसे लिखा है कि फॉर अ इंडिविजुअल, अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम 50 लाख से नीचे है और आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो और ना ही आपने किसी कंपनी के क्या नहीं खरीदे, अनलिस्टेड शेयर नहीं खरीदे, तो आप क्या भर सकते हो, आईटीआर 1 भर सकते हो। अगर आपकी एक से ज़्यादा इनकम है तो आप आईटीआर 2 कर सकते हो, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, पीजीपी की इनकम यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाएगी। ऐसे ही आप आईटीआर 3 भर सकते हो आप, लेकिन वो इनकम कैसी होनी चाहिए, पीजीपी की इनकम होनी चाहिए, अदर देन कोई और सी इनकम नहीं होनी चाहिए। ऐसी आईटीआर 4 आपको पता है सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एडीए और सेक्शन 44 ए, देखिए जिसमें बात होती है कि लिमिट के ऊपर कि अगर आप इतने तक कमाते तो आप टैक्स दो अदरवाइज ना दो, जिसमें आपको पता है कि आपको सेक्शन 44 एडी के अंदर नमस्ते 8% या 6% टैक्स देना होता, तो उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और दूसरे में कितना होता है, सेक्शन 44 एडीए के अंदर आपको पता है वो किसकी बात करता था, प्रोफेशनल की। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो अपनी इनकम को आप कितने परसेंट कंसीडर कर दो, 50% कंसीडर कर दो। और सेक्शन 44 ए क्या कहता था, अगर आपके पास लास्ट ईयर में 10 ट्रक से कम है, कितने से कम है, लास्ट ईयर में 10 ट्रक से कम है, तो आप हर ट्रक के हर मंथ कितना शो कर दो, 7500 रुपये पर मंथ के हिसाब से कर दो। इसमें ट्रक की कोई वो नहीं थी कि ट्रक आपका लाइट हो या हैवी, बस आपकी लास्ट ईयर में ट्रक 10 से ज़्यादा नहीं हो, तो आप अब 4 भर सकते हो। आईटीआर 5 आप कब भरोगे, जब आप किसी कंपनी के पार्टनर हो। आईटीआर 6 कौन भरेगा, कंपनी। और आईटीआर 7 कौन भरेगा, ऐसे जो एनजीओ संस्था में आती है वो कौन सी भरेगा, आईटीआर 7। इसके बाद अगर आपको जावा डाउनलोड करना है तो आप जावा पे जा सकते हो। जैसे फिलहाल हमें आईटीआर 4 भरनी है तो हम आईटीआर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो यूटिलिटी आ जाएगी। इसके बाद शो इन फोल्डर पर जाएंगे, शो इन फोल्डर पर जाने के बाद ये अपने आप फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे, इसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट फाइल पर जाएंगे और इंटर मारेंगे तो फाइल आपको यहाँ पर आ जाएगी। सबसे ऊपर ITR 4 यूटिलिटी, इसमें मिलेगी ITR 4 असेसमेंट ईयर 2021। बस आप इसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, बेसिकली वही सॉफ्टवेयर जैसा आपका वेबटेल था वैसा यही सॉफ्टवेयर, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले वही इंस्ट्रक्शन होंगे कि आप जो भी अमाउंट डालोगे वो इंडियन रुपीज़ में होंगे, करेंसी जो डेट का फॉर्मेट होगा जिसमें पहले DD आएगा, फिर MM आएगा, फिर YY आएगा, जो आपकी गिरे होंगी वो ऑटो फिल्ड होगी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आप ऐड कैसे करना है वो सब, जो स्टार के मार्क में होगी वो मैंडेटरी फील्ड होगी, आप सभी को पता ही। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आप बहुत आराम से पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद पहला टॉपिक आता है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। क्या आता है, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी पार्ट है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका मिडल नेम हो गया, आपका फर्स्ट नेम हो गया, आपका पैन नंबर हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका एड्रेस हो गया, तो आपकी जो भी चीज़ें होंगी आप यहाँ सब फिल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दूसरी टेबल आपको मिलेगी इनकम डिटेल, आप यहाँ से इसकी इनकम डाल देंगे कि इसको सैलरी से कितनी इनकम मिलती है। आप ऐसे जाएंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर डाल दोगे कि आपको इसको सैलरी से कितनी इनकम मिलती है, परक्विजिट कितना है इसका, प्रॉफिट एंड ल्यू कितनी है, डिडक्शन कितनी मिली है, वो आप सब डाल देंगे। हाँ, 5-4 बजे स्टार्ट कर देना आप तो करें, हाँ लेकिन थोड़ा फास्टली करना, ठीक है। यस, लेकिन आप एक बात बताओ, अब मैं सामने वाले की बेसिक इन्फॉर्मेशन जब भरने बैठूंगा तो वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि प्रॉपर मुझे मिल जाए, तो क्या तरीका है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, लैपटॉप दो मैं एक यूज़र पासवर्ड निकाल लूँ।
क्लास लेकर प्रैक्टिस करके आप चले जाया करना। क्या वो शिवानी नहीं समझ आया मैंने क्या बोला? खत्म तो नहीं हुआ, एक बस टीडीएस की क्लास, एक रिवीजन चलना है एक क्लास में, और एक क्लास में बिजी हो। टैली में कैसे एंट्री होती है ये बताना है और कुछ नहीं बताना। हाँ विवेक, विवेक अभी आप 10 मिनट बैठो, अभी डिस्टर्ब नहीं करना। 10 मिनट क्या करना है? अरे रोमी से लो ना, अच्छे रोमी के पास होती है। क्या होता है, चलता नहीं कई बार है? नहीं बहुत अच्छा चलता है ऑफिस में। लाओ दो माउस के बटन, एक पासवर्ड निकालना है बस। हाँ बोलो प्रिया, एक बार चेक कर लेना करिश्मा का। ठीक है, ये बंदा है, मान लो इस बंदे की है, मैं इसे स्किप करता हूँ, अभी इसका एड्रेस चेंज नहीं कर रहा, ये रख लो, इसे बंद कर देते हैं। चलो इसे यहीं रख लेते हैं, अभी आगे। अब मुझे ना इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी, तो अब मैं क्या करूँ? तो एक तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम चाहे वेबटेल यूज़ करें, इसके अंदर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है प्री फिल्ड, फिल कहते हैं लेकिन आप इसे फिल्ड। अब क्या करेंगे, आप ई फाइलिंग में जाएंगे, आप अकाउंट्स में आएंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा ई फाइलिंग, डाउनलोड प्री फिल्ड XML। आप यहाँ पर जाओ, कौन सी आइडिया भरी, आप इसकी लास्ट ईयर की आइडिया सेलेक्ट कर लो। मैंने कहा असेसमेंट ईयर इसका 19-20 था, मैंने 19-20 सेलेक्ट करा। मान लो मेरी ITR 4 थी तो मैंने ITR 4 ली और कहाँ गया, डाउनलोड पे गया। कहता कौन सी ITR है, मैंने कहा दोनों वाली है, मैंने इस पर क्लिक करा, ओके करा और XML को डाउनलोड कर लिया। तो जैसे ही मैंने XML को डाउनलोड करा, यहाँ वो फाइल आ गई। फाइल आ जाने के बाद मैं इस वाले आइकन पे गया, प्री फील्ड पे आया, ओके पर क्लिक करा, डू यू वांट टू सेव, मैंने कहा सेव नहीं करनी। अब दोबारा करता हूँ, पहले मैं प्री फील्ड पे गया, कह रहा आप डाउनलोड पर जाओ, प्री फील्ड पर जाओ, वो बता रहा था, क्लिक करो, दोबारा जाओ, गलती हो गई मुझसे, एक बटन नहीं दबा, ये बता रहा माई अकाउंट पर जाना, डाउनलोड के अंदर जाना और डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड किया, डू यू वांट टू सेव ITR, मैंने कहा नो। इसके बाद वो ऑप्शन आया, मैं डाउनलोड पे गया और ये फाइल को ओके करा। जैसे ही मैंने इसमें देखा ओके करा, एक बार रुक जाते हैं दोबारा, प्री ओके ITR नो, डबल क्लिक, प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड फाइल, फाइल यही थी हमारी, दिस वन, नौ, 3 तारीख 9:44, हो सकता है इसने लास्ट ईयर ITR 3 भरी हो, 4 ना भरी हो, तो हमें चेक करना है इसने लास्ट ईयर कौन सी ITR भरी। तो व्यू में जाएंगे, ITR में जाएंगे और सबमिट करेंगे।
तो इसने ITR 4 भरी असेसमेंट ईयर 19-20 में। तो दोबारा डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ से 19-20 लेंगे, ITR 4 लेंगे और डाउनलोड पर जाएंगे। रिफंड के लिए लेटेस्ट ITR मैंने ये कर दी और डाउनलोड कर दी, ये आ गई। इसके बाद फ्री में गया, ओके पर गया, नो पर गया और इस पर डबल क्लिक करा। चलो 18-19 लेकर देख लेते हैं। पता नहीं क्या हो रहा, मैंने एक बार में आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप ला सकते हो ITR। तो हम जब भी कोई ITR भरते हैं तो आप एक बार करके देखना, लैपटॉप में आ जाएगी। किस में जाओगे आप, प्री फील्ड में आओगे और वहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी ITR 4 में आपको इनकम डिटेल देनी होती है। अगर आप सैलरी से कोई भी इनकम कमाते हैं तो आप यहाँ पर डाल देंगे जितना हो। जैसे मान लो मेरी 2,40,000 इनकम है तो मैं यहाँ 2,40,000 लिख दूंगा। और आपको पता है 50,000 रुपये की हमें CC क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ टैक्स आ जाएगा। ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई हमारी। ऐसी हमारी एक और इनकम होती है जिसका नाम होता है इनकम फ्रॉम PGBP। हम इसमें जाएंगे, सबसे पहले हमें अपने बिजनेस का नाम चाहिए तो हम किस पर क्लिक करेंगे, एड रो पर जाएंगे। तो जो भी हमारे बिजनेस का नाम होगा हम वो टाइप कर लेंगे। मान लो एडवांस कोर्स 0 ट्रेनिंग क्लासेस, हमने ये टाइप कर दिया। बिजनेस टाइप में जाएंगे, यहाँ से हमारा जिस भी नेचर का बिजनेस होगा हम वो टाइप कर देंगे। ठीक है, मान लो हमारा अदर सर्विस का, हमने अदर सर्विस डाल दिया। डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने कहा बिजी ट्रेनिंग ट्रेनिंग और सेव कर दिया। आ गया बिजनेस। इसके बाद कहता है ग्रॉस टर्नओवर और योर रिसीव, आपने पूरे साल में कितने रुपए का माल बेचा। मैंने कहा 25,25,000 रुपए का माल बेचा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25,25,000 रुपए का। ठीक है, ये 25,00,000 रुपए का आ गया। और आपको पता है सेक्शन 44AD के अंदर हमें कितना दिखाना होता है, या तो 6% या फिर 8%। मान लो हमने आप अपना प्रॉफिट दिखा दिया 25,00,000 का, 12% के हिसाब से 3,10,000 रुपये दिखा दिया। कितना, 3,10,000। तो यहाँ पर हमने 3,10,250 दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 3,10,000 रुपये की ये इनकम हो गई, पीछे कितने की इनकम थी उसमें 50,000 माइनस कर, तो कितने की इनकम थी, 1,90,000 की। तो अब यहाँ पर इनकम कितनी दिखा रहा होगा, देखो नीचे आओगे यहाँ तो कुछ नहीं दिखाएगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, इनकम डिटेल में। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर 2,40,190 की इनकम यहाँ पर हो गई। टोटल इनकम कितनी हो गई, 5,250 रुपये की इनकम हो गई। और आपका टैक्स बन जाएगा 5,00,000 से ऊपर के होता ही। तो अभी हम क्या करते हैं, अपनी इनकम को थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि हम टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2,20 इनकम दिखाई और जैसे इनकम दिखाई 1,70 हो गया। 1,70 में 3,10 जुड़ेगा तो इनकम कितनी आ जाएगी, 4,80,250। और हमारी इनकम किससे आ गई, टैक्स स्लैब से नीचे आ गई। ये हमारा दो टॉपिक है जिसमें पहला टॉपिक तो आप जानते हो हमारा होता है इनकम फ्रॉम अदर डिटेल में, इनकम अदर डिटेल में डाल देंगे सैलरी की। ठीक है, इसके बाद हमारी कोई डिडक्शन होगी तो वो ले लेंगे। फिलहाल अगर कोई बिजनेस की इनकम होगी तो हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद टैक्स डिटेल, अगर आपने कोई टैक्स पे करा है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। कोई TDS आपका किसी ने काटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में अगर आप कोई टैक्स पे करते हैं तो नीचे आपको यहाँ देना पड़ेगा एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ये हो जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। इसकी ये वही विंडो है जो आपकी वहाँ आती थी लास्ट में, जब आपने इसे आधार से ऑथेंटिकेशन किया था, ये वही विंडो है। यहाँ पर आप क्या डालोगे, यहाँ पर लिखोगे टोटल टैक्स आपका कितना बनता है। फिलहाल हमारे केस में 0 है तो 0 आ गया है। ठीक है, अमाउंट पेबल कितना दिखा रहा है,
आपका 13,126.60 रुपये। अब ये देखना है हमें 13,160 रुपये क्यों दिखा रहा है। आप सबसे पहले इनकम डिटेल में जाओ, सबसे नीचे आओ, यहाँ कोई टैक्स बन रहा है? हाँ सर यहाँ टैक्स बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी क्या नहीं करा, रीकैलकुलेट नहीं किया था। अब जैसे हमने रीकैलकुलेट कर दिया उसके बाद आए तब भी बन रहा है, तो हमने क्या गलती कर दी है। अच्छा 11,512 रुपये टैक्स, शायद हमने पुराने वर्जन की यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है, क्योंकि यहाँ पर देखो डिडक्शन 0 रुपये की मिल रही है। ठीक है, तो हमें कितने तक की माफ़ी मिल जाती है? अंडर सेक्शन 87A के हिसाब से 12,500 रुपये की सीधी सीधी माफ़ी है। ठीक है, इसके बाद ये सारा काम ख़त्म कर दोगे। जब आपका शेड्यूल वाला काम ख़त्म हो जाएगा, टैक्स डिटेल आप टाइप कर दोगे, टैक्स वेरिफिकेशन में आप वही कॉमन चीज़ें टाइप करनी है आपको, यहाँ से अपना बैंक नाम डालना है, आपका आपका नाम क्या है, मतलब आप इंडिविजुअल हो, इसके बाद आपका ठीक है सन ऑफ डॉटर किसके हैं आप वो डाल दोगे, अपने यहाँ से सिलेक्ट करोगे कि आप कौन हो, तो आप यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव डाल दोगे, परमानेंट अकाउंट नंबर डाल दोगे और अपना क्या डाल दोगे प्लेस, बस इतना डाल के आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन शेड्यूल DI और शेड्यूल DD। इसके अंदर बस आपको डी में आना है और डी में एक टॉपिक आपसे पूछा गया है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो सीनियर सिटीजन है, अगर है तो यस करो, नहीं है तो क्या कर दो नो। और ऐसा पूछा है अगर इनके इस साल कोई होने वाला है, अगर होने वाला है तो आप इसे यस करो, नहीं होने वाला तो नो कर दो, और इसके बाद ये आपकी ITR सेफ हो जाएगी। ये आपकी ITR हो गई 4। अब जब भी आपको ITR की प्रैक्टिस करनी हो तो ITR प्रैक्टिस के लिए भी नोट्स हमने बना के रखे हुए हैं, आप उनमें से किसी की भी एक ITR बना सकते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ITR ओपन कर लो, जैसे यहाँ से हम किसी इनकम टैक्स वाले को खोल लेते हैं, हमने इनकम टैक्स को ओपन किया, इनकम टैक्स को हमने ओपन किया, यहाँ एक टॉपिक हमने बता रखा है, बना रखा है, इसमें एक टॉपिक होगा वेबटेल के नाम से, नहीं नहीं सबमिट कर दो ना खाली, फाइल नहीं करना ना आपको अभी। अब आपको फाइल क्यों करना है? अगर आपने ITR फोन में दिखाना चाहते हो तो आप फाइल करो, अदरवाइज फाइल मत करो। मेरे लैपटॉप में होगी वो, उसमें हमने सब बना रखे, मैंने सब बना रखे, ITR 1 ITR 2। नया बिजी का टोंगा लिया है, जब बिजी हो रही है उनको कंपनी बिजी 18 बोल के हूँ, बिजी 18। चलो बैठो, ये रहा वेबटेल के अंदर है, ये रहा, ये सारी ITR दे रखी है, कंपनी नॉन कंपनी ITR 4। तो ITR 4 में क्या है, इनकम कैसे दिखानी है, ITR आप नॉन, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या डालनी है कंपनी केस में ये डालनी है। ITR 4 आपको बिजनेस क्या दिखाना है, यहाँ पर जाके आप इसकी इनकम दिखा सकते हैं कि आपको सैलरी से कितनी इनकम मिल रही है। ITR 2 ITR 4 ये जी, ठीक है, यहाँ से यूज़र पासवर्ड भी दे रखा है इसका, आप रिव्यू में जाकर यहाँ से फार्मूला बार ओपन कर लेना, ठीक है, तो यहाँ से आपको पासवर्ड दिख जाएगा, नहीं तो पासवर्ड मेरा गूगल ने पढ़ा होगा, इसका पैन कार्ड का निकाल लेना, ठीक है। चलिए गौरव चेयर लगाइए, अप्रोच चेयर लगाइए, प्रियंका चेयर लगाइए,